सुबह सुबह सो के उठा, मेरा घर को तोड़ा जा रहा है। गाइस क्या बताऊं, मेरा मेहनत का घर तोड़ा जा रहा है। आई थिंक गाइस मुझे इस घर में रहने के लिए नहीं मिलेगा शायद, इसलिए तोड़ा जा रहा है गाइस। और यहाँ पे मैं भी तोड़ रहा हूँ। प्रॉब्लम बता दू गाइस, ये जो सीढ़ी है अलग से बनाने वाला हूँ, इसलिए ये सीढ़ी तोड़ दिया जा रहा है, मेरा घर तोड़ दिया जा रहा है। दिया है भाई, खत्म, फिनिश। अभी गाइस क्यों इसको तोड़ दिया आप लोगों को बता दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है। बाबा ने बनाया था एकदम पूरा मार था, कुछ भी नहीं करके ऐसे ही, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा पड़ गया, इसलिए मैंने फिर से इसको तोड़ के बड़ा बनाने के लिए अभी प्लानिंग किया है। बहुत छोटा हो गया ना, ये देखो आप लोग देख सकते हो, सीढ़ी के इतना छोटा होता है भला, मेन सीढ़ी नहीं होता है ना। तो इसको भी तोड़ देगा, इसको भी तोड़ के यहाँ तक करके यहाँ तक उसका पर लंबा करके ऐसे करके लेके जाएगा पिंक करके। और काम पूरा धमाकेदार चल रहा है, सीढ़ी तोड़ के खत्म हो गया, तोड़ दिया भाई। बनाने में कितना टाइम लगता है, तोड़ने में 1 सेकंड। अरे मैन दोस्तों, मेरा टारगेट है इस बार ये साल को घर लेने के लिए, ये घर पूरा लेने के लिए पूरा टारगेट है मेरा। आई होप मेरा सपना हकीकत में बदल जाए, ये साल को ही घर ले जाऊं, घर को मतलब ले लूं। वैसे तो अभी घर में घुसाओ भाव, लेकिन नियम कानून क्या नहीं है, कितना दिन लगेगा वायरिंग में, मिनिमम बोलो या मैक्सिमम बोलो, 2 दिन लगी वो, 4 दिन, 2 दिन लगी वो। अच्छा, और गाइस जैसे यहाँ मैं पहुँच गया, यहाँ पे देख सकते हो सीढ़ी टूट चुका है, खत्म। ऊपर में देख सी कैसे गया, तुम लोग कैसे गया है यहाँ से उठ के, कहाँ से, कानपुर खुला हुआ है, पैन पहना कि नहीं है, गुड गर्ल। सो गाइस बहुत ही दुखों का बात, क्या बताओ, मेरा भाई जा रहा है आज, जाने से जाओ ठीक है, तू भी चुमा देख, ये भाई कैसा चुमा हुआ। टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, और हम लोग मिलेंगे कब को, दिसंबर महीने को मेरा बर्थडे में, ठीक है, ओके चलो। अब ये जा रहा है गाइस, दौड़ी रहा दौड़ी, चश्मा लेके जाएगा बोला है, मेहनत से खरीदा हूँ ये मैं, मेरा मेहनत का पैसा से, लो संभाल के रखो। हल्की बता दिया है। सो गाइस मेरा प्लानिंग था इससे मैं नमसाई में पहुंचाने के लिए, लेकिन बस भी जा रहा है, और स्कूटी में जाने से क्या होगा, मतलब पूरा धूली धूली रास्ता, अवस्था नहीं, पूरा खर्रा, बहुत ही ख़राब है रास्ता, और पूरा धूली 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 धूली, इसलिए गाइस यहाँ में इन्होंने भी बोला कि सेफली बस में जाएंगे बोल के, तो इसलिए बस में उठ गया। ये नमसाई से बस तक जाएगा, और नमसाई से मेरा भैया पिकअप करेगा, भैया पिकअप करने के बाद रात को ईटानगर का बस उठा देगा, और ये ईटानगर से डायरेक्ट निकल जाएगा डाफोरिजो तक। फाइनली डोज चले गए हैं, और डोज चले जाने के बाद बस पे, और उसके बाद मम्मी ने कॉल किया, झाड़ू डो लाने के लिए बोला है, तो मैं झाड़ू अभी ले लेता हूँ मार्केट से, उसके बाद निकलता हूँ। कौन सा वाला झाड़ू है, ये फूल झाड़ू दे दो, नहीं है रेडीमेड वाला झाड़ू है अंकल, वो लैट्रिन साफ करने वाला क्या बोलता है वो, अक्षय कुमार एडवर्टाइज करता ना, हाँ हाँ हार्पिक है, दे दो तो एक। ये गाइस बहुत ही कॉन्जोस अंकुल हम लोग का, डायन का छोटा वाला दे दो, छोटा वाला कितना कितना है, 100 रुपीस, 100 रुपीस का है, पता नहीं कैसे लगाता है ये, ढकना खुलेगा, पूरा ब्रश से सफा करना है ना, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, और इसका ब्रश दे दो, लंबा ब्रश मिलेगा, हाँ दे दो, दिखा दो एक बार, और चलते हैं मार्केट पे, क्या क्या मिलता है, मलिक पा मलिक कहाँ में, बाजार, बाजार क्या लिया है, बाजार आया है, आज का मार्केट से मुला मुला मुला, मोबाइल पूरा खराब हो गया था, बना दिया है सुलुमरी भैया ने, थैंक यू सो मच, और मेरा पहला मोबाइल मैंने इसी दुकान से खरीदा था, कितना हो गया है अभी, मोबाइल बना दिया है,
जरा मत लो, अभी पैसा नहीं है, दुर्गा बजाना सब खत्म हो गया। दे एक्सर गहरी मीट के साथ मैजांगी पत्ता अच्छा होता है। हम्म, हम एक बना आसे भी हदोक पानी पूरी पैकिंग। पूजा में पूरा तमाम सेलिंग हुआ होगा, पूजा में नहीं नहीं ज्यादा आदमी था इसलिए हम नहीं आया। ये पूरी पैक करके लेकर जाएगा अंगूल से तो, और भी तो ना इतना कुमटी मतो देना आलम दे सिपोस ना फोन उस पर है। और झाड़ू खत्म हो चुका है, मम्मी ने बोला झाड़ू लेने के लिए, तो यहाँ पे झाड़ू तीन लिया हूँ, एक का 120 वगैरह लेने के लिए मेरा ससमा जो दोस्त को मैंने देखे भेज दिया, तो इसलिए वाओ कितना खाया अंकल काफी हैंडसम लग रहा हूँ मैं। अभी मुझे लेना है गाइस धोती लेना है पायजामा, पता नहीं धोती तो हम लोग का तो सीरियसली बताता हूँ, हम लोग ट्रेडिशनल में पूरा धोती रहता है, लेकिन आजकल खरीदने के लिए मैं शुरू हो चुका हूँ धोती भी खरीदने के लिए। सीरियसली बताओ तो पहनने वाला धोती और मतलब खरीद के पहनने में धोती बहुत ही ज़्यादा मज़ा लगता है। लाया दिखाओ, आजकल पूरा रेडीमेड ज़्यादा नहीं हुआ है गाइस, मैं एक महीना हुआ है खरीदने के लिए गया था एक बार 300 में रेडीमेड धोती फिर से। रेडीमेड सिलाने वाला नहीं है, सिलाने वाला नहीं, ऐसा वाला नहीं चाहिए। तो गाइस अभी जस्ट रिसेंटली फट से प्लानिंग बन चुका है, अभी निकल रहा हूँ यहाँ से भैया लोग का घर की ओर और यहाँ पे लेने के लिए आया है। तो अभी थार में बैठा हुआ हूँ और पीछे में देख सकते हो पीछे है घर, तो अचानक से घर का काम चल रहा है लेकिन अचानक से अभी मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से, कुछ काम है गाइस। क्या लेना है कपड़ा आपको? कपड़ा लेना है कहाँ पे? चलो मार्केट फटाफट। लोग आ चुके हैं मार्केट पे जैसे आया यहाँ पे भाई का शॉप पे आया, आने का बाद कपड़ा खरीदने के लिए यहाँ पे, कपड़ा जैसे ही देखा यार खरीदने के लिए तो दिल कर ही लिया, पैसा तो नहीं है लेकिन फिर भी क्या करो यार, जबान अभी कुट के भरा हुआ है। तो गाइस मैंने सेलेक्ट कर लिया है ये और एक है ये, और ये नहीं ये कैसा है ऐसा वाला ब्लैक कलर का है कि नहीं, ऐसा वाला ब्लैक कलर का दिखाओ एकदम हैंडसम वाला मुझे, ताकि मुझे हैंडसम दिखे ठीक है। मार्केट गया, मार्केट से ले लिया है एक क्या बोलता है एक शर्ट लिया है और एक पैंट लिया है। अभी चलते हैं रिजॉर्ट की ओर, मनोज का रिजॉर्ट पे, उसका बाद एंजॉय करेंगे वहां पे। और गाइस वीडियो देखते रहेगा। और भैया कैसा लग रहा है मेरे साथ जर्नी? बढ़िया बढ़िया, मैं आपका दिमाग तो नहीं चत रहा हूँ नहीं। गाइस यहाँ पे आ चुका हूँ रिजॉर्ट पे, काफी सुंदर से बहुत कुछ मॉडिफाई किया गया है जो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बिग बिग कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, आप सब लोग का आशीर्वाद का वजह से सब होता है। थैंक यू, आप सब लोग का आपका थैंक यू। यहाँ पे देख सकते हो गाइस काफी सुंदर से यहाँ पे रिजॉर्ट यहाँ पे बनाया गया है, काफी सुंदर से डेकोरेशन फाइनली कंप्लीट हो चुका है, मेहनत का रंग लाया बेचारा मनोज का। और टू बी ऑनेस्ट जितने भी यहाँ पे लोग हैं सभी लोग प्लीज कृपया करके आप लोग आइएगा यहाँ पे विजिट कीजिएगा, और आप लोग यहाँ पे खाने का सुविधा भी पूरा अवेलेबल है और यहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्पिटलिटी है, सभी लोग आइएगा, आने का बाद काफी टेस्टी से खा के जाइएगा जितने भी आसाम से लोग आते हो सभी लोग। और कुछ ही दिनों के बाद हम लोग अभी बैनर शुरू कर देंगे बनाने के लिए, चौकम गुनानगर साइड ही आप लोगों को एंट्री करना पड़ेगा, तो एंट्री करने का बाद हम लोग बैनर वगैरह लगा देंगे वो लेफ्ट साइड में, तो आप लोग आ जाना गाइस। और दो दिन तीन दिन के बाद हम लोग यहाँ पे डीजे नाइट भी हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो सभी लोग आना और सुंदर से आप लोग एंजॉय करके जाना। तो यहाँ पे काफी सुंदर सा यहाँ पे देखो डेकोरेशन सुंदर से, और यहाँ पे चिकन चिली आ चुका है। और इसका प्राइस कितना है मनोज? इसका जस्ट 300 जस्ट 300 ओनली 300 बोलो ओनली 300 रुपीज। चलो अच्छा मैंने बहुत ज्यादा पीस दिया गया है लेकिन गाइस, और ऐसा रिजॉर्ट पे बहुत ही ज्यादा मतलब दाम लेता है जितने भी मतलब किसी को मैं नहीं कहूंगा लेकिन बहुत ही कॉस्टली होता है, लेकिन यहाँ पे 300 पे काफी सुंदर सा प्लेट यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है बहुत ही मुफ्त में। आप लोग यहाँ पे प्लीज कृपया करके आए, बार बार मैं कहता हूँ और हजार बार हम लोगों से मिल के आप लोग जाइए। इसी का पास में ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक नदी है, काफी सुंदर से यहाँ पे पानी बह रहा है, और यहाँ पे नदी पे भी आप लोग आके अपना मतलब ये नहा भी सकते हो, नहाने का फैसिलिटीज है, बहुत सारे वीडियोस ने आप लोगों ने देखा होगा कैसे यहाँ पे नहाने का फैसिलिटीज है, आप लोग नहा सकते हो, मतलब बहुत कुछ मतलब फैसिलिटी बहुत कुछ सुविधा दिया गया है। तो चलो चलते हैं, अभी इमरान भाई भी आए हुए हैं वहाँ पे बैठने के लिए,
और यहाँ पे गाड़ी भी है गाइस चलाने के लिए। फिर से आ चुका हूँ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सुंदर सुंदर पानी पे। वाह मजा लग रहा है गाइस। आइए थैंक यू सो मच आप सभी लोग मुझे इतना सपोर्ट कर देने के लिए दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद जो जो लोग मुझे देखते हैं। एंड सभी लोगों का कमेंट यही है कि घर कब को ले रहे हो, तो सीरियसली बताऊं तो इस साल मैं घर में ले नहीं पाऊंगा क्योंकि घर पे बहुत पैसा देना पड़ता है गाइस, और बहुत मतलब कॉस्टली है आजकल का ज़माने का चीज़ें, मतलब बहुत कॉस्टली है। मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीद के आज तक, मैंने घर के लिए एक एक चीज़ में ख़रीदता रहा, घर का चीज़ों के लिए वायरिंग हो गया और अभी सीढ़ी भी बन रहा है धीरे धीरे, पहला वाला सीढ़ी अच्छा नहीं था, तो घर पे बहुत पैसा जा रहा है जो मैं मतलब मैं नहीं ले पाऊँगा इस बार। नेक्स्ट ईयर ही मुझे 2024 पे ही मुझे घर लेना पड़ेगा, इस साल मैं नहीं ले पाऊँगा। और जो भी ना हो आप सभी लोगों का कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच टू गॉड ऑल्सो, थैंक यू सो मच गॉड, भगवान को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गाइस सीरियसली बता दो आप लोगों को हमें हर वक्त भगवान को भी थैंक यू देना चाहिए और हमें हर एक आदमी को ही थैंक यू बोलना चाहिए मेरा मुताबिक से। क्यों? क्योंकि बोलो एक मतलब थोड़ा सा एक स्टोरी बता देता हूँ आप लोगों को। एक आदमी बहुत ही टेंशन से ऑफिस से जा रहा था कहीं पे, तो जैसे जाते रहा बहुत ही टेंशन वगैरह, तो देखता गया जैसे वो जा रहा था तो एक पूरा पगला आदमी मतलब उसका आँखों का सामने में जा रहा था, एक पागल आदमी कपड़े फटा हुआ था एकदम चिल्ला चिल्ला के जा रहा था, तो वो बोलने लगा, उन्होंने मतलब ऊपर में देखे बोलने लगा, हे भगवान मैं अमीर तो हूँ, मेरे पास टेंशन तो है लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। अभी वो पागल क्या करता है, अभी वो पागल दुनिया भर रास्ते पे जाता रहता है, सडनली उसका पागल का आँखों में पड़ता है एक भिखारी का नज़र, तो वो भीख मांग रहा है कतोरा लेके। फिर देखता है पागल बोलता है, हे भगवान थैंक यू सो मच, मैं पागल तो हूँ, मैं झूम रहा हूँ, मुझे जहाँ पे भी मुझे जो मिलता है मैं वही खा लेता हूँ, लेकिन मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ। तो उसका बाद वो भिखारी क्या करता है, भिखारी जैसे बैठा हुआ रहता है, भिखारी का सामने में एक एम्बुलेंस जाता है, तो वो भिखारी भी थैंक यू गॉड कहता है कि मैं भिखारी तो हूँ लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ। अभी वो बीमार से जाता वाला इंसान डायरेक्ट जाता है मेडिकल पे जैसे बैठता है पेशेंट, वो देखता है कि एक आदमी मर चुका है। फिर वो बीमार आदमी कहता है, हे भगवान थैंक यू सो मच, आपने मुझे बीमार तो बनाया लेकिन मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। अब आते आते लास्ट में पहुँचता है मरे हुए इंसान के साथ। अभी वो मरा हुआ इंसान अभी कहेगा क्या, वो किसी को थैंक यू भी नहीं बोल सकता क्योंकि वो मर चुका है। तो अपने आप को सोचो, आप अभी मर गए या जीवित हो, अगर जीवित हो तो हर एक एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलो, थैंक यू भगवान को बोलो, और सामने वाले की कदर करना शुरू कर दो। अगर वर्ल्ड को चेंज करना है, दुनिया चेंज करना है, तो अपना फैमिली मेंबर्स के साथ मिलो, बातें करो। दुनिया वाले लोग दोस्त लोग सबका कुछ भी नहीं देगा सपोर्ट, फैमिली ही देखेगा अगर आपका अगर भयानक से भयानक परिस्थिति आए तो, दोस्त लोग भी टाल देगा एक दिन, ए हम बिजी है यहाँ पे है वहाँ पे है, तो अपना फैमिली मेंबर्स को इम्पोर्टेंट दो गाइस, अपना फैमिली के लिए करो जितना भी करना है। अगर पढ़ाई लिखाई अगर कर रहे हो कॉलेज में तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, कल को अगर माता पिता नहीं रहेगा ना तो घर से लात मार के बाहर निकाल देगा अपना भाई भैया लोग, आजकल का दुनिया है। और एक बात ध्यान से सुनो, किसी के लिए भी कुछ भी करो उसे सुनाना बंद करो। हम लोगों का अक्सर यहाँ पे होता क्या है, किसी के लिए कुछ करता है बाद में देख तेरे लिए मैंने वो कर दिया, और वो क्या होता है, सबसे हार्टिंग पॉइंट वही होता है, मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी का शहर सबको मीठा लगता है लेकिन मधुमक्खी को कोई भी रखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी डंखा मारते हैं। डेट मीन्स आप भी अगर किसी के लिए अच्छा काम कर रहे हो, अगर उसको अगर सुनाने के लिए शुरू कर दिया कि देख तेरे लिए मैंने वो कर दिया, डेट मीन्स आप भी डंखा मार रहे हो। तो किसी के लिए भी कुछ भी करो, कुछ भी मत बोलो, उसका हिसाब किताब ऊपर वाले को करने दो, ठीक है गाइस। तो इसी के लिए आज के वीडियो इतना ही है, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय गाइस। मेरा घर नेक्स्ट ईयर को हम ले लेंगे गाइस, आप लोग प्रे कर दो। महाटेपुर का घर भी बन रहा है, मौसा मौसी का घर,
तो सेलिब्रेशन करेंगे। बाय बाय।